एटा जिले के निधौली कला थाना क्षेत्र गांव कासिमपुर में जन्मदिन की खुशी में बज रहे डीजे पर हर्ष फायरिंग होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम स्थल के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में गोली लगने से तार टूट गया। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति करंट की चपेट में आने से घायल हो गया। हालांकि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। पूरा मामला निधौली कला थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव के निवासी दीपू के एक वर्षीय पुत्र रजत का जन्मदिन का कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया जा रहा था। बर्थडे कार्यक्रम में हिस्सा लेने तमाम नाते रिश्तेदार भी पहुंच गए थे। जन्मदिन की खुशी में दावत और डीजे का भी इंतजाम किया गया था। डीजे पर नाच गाना चल ही रहा था, तभी कार्यक्रम में पहुंचे दीपू के ससुर ने अपने लाइसेंसी राइफल से फायर कर दिया। राइफल से निकली गोली ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में जा लगी और तार टूटकर गिरते ही बड़ा हादसा हो गया, जिसकी चपेट में आने की वजह से हरिशंकर के इकलौते पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करंट की चपेट में आने की वजह से एक और व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि आनन-फानन में सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग होने से बिजली का तार टूट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पीएम कराया जा रहा है। 304 आईपीसी मानव वध के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और चूंकि अमापुर का रहने वाला है, कासगंज जनपद का, तो उसकी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भी प्रेषित की जाएगी। जो भी विधिक कार्रवाई होगी इसमें की जा रही है। एटा से जनमत न्यूज़ के लिए नंद कुमार की रिपोर्ट।